मुख्य शब्द कीवर्ड्स, आनुवंशिकी, विपरीत लक्षण, प्रभावी, अप्रभावी, समरूप, विषमरूप, वाहक। हमने सीखा लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना आनुवंशिकी कहलाता है। एक जाति के जनकों की संतानों में समानताओं के बावजूद जो अंतर पाया जाता है उसे विभिन्नता कहते हैं। ऐसी विभिन्नताएं जिनके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, जैसे टुड्डी में गड्ढा, बालू का रंग, वंशांगत विभिन्नताएं कहलाती है। विभिन्नताएं जिनके लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाते हैं उन्हें उपार्जित विभिन्नताएं कहते हैं, जैसे मोटापा, चोट का निशान। गुणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचने की प्रक्रिया को समझने के लिए मेंडल ने कई सालों तक कई प्रयोग किए। मटर के पौधों पर किए गए प्रयोगों से उन्होंने आनुवंशिकी के बुनियादी नियम प्रतिपादित किए। संयोग और संभाविता की मदद से मेंडल अपने प्रयोगों के निष्कर्ष का अनुमान लगाते, जिसकी जांच वे प्रयोग द्वारा करते थे। मेंडल के प्रयोग से हमें आनुवंशिकी के बारे में निम्न बातों का पता चला। प्रत्येक गुण लक्षण प्रकट करने वाले दो कारक होते हैं। प्रजनन के दौरान हर जनक से एक कारक संतान को मिलता है। इन कारकों का एक नया जोड़ा संतान में होता है। गुणों के विपरीत रूप कारकों के विपरीत जोड़े द्वारा व्यक्त होते हैं, एक जोड़ा प्रभावी तो एक अप्रभावी। पृथक्करण का नियम, बीजांड और परागकण बनते समय कारकों के अलग होने को मेंडल की पृथक्करण का नियम कहा गया। सिकल सेल एनीमिया भी एक लक्षण है जो मेंडलीय लक्षण के समान ही वंशानुगत होता है। इसमें लाल रक्त कोशिकाएं हंसियाकार हो जाती हैं और उनमें ऑक्सीजन संवहन की क्षमता कम होती है। मनुष्य में 22 जोड़े गुणसूत्र के साथ 2X गुणसूत्रों से मादा बनती है, तो 1X 1Y गुणसूत्र वाले युग्मनजों से नर बनता है। XX या XY बनने की संभावना 50% है।